एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, मैं रिशिदा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका के प्रोडक्ट्स जो मैं ट्राई करके दिखाऊंगी और रिव्यू देती जाऊंगी जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं। एंड ये हॉल वीडियो अगर नहीं देखा है, नायका प्रोडक्ट हॉल वीडियोस नहीं देखा है, मेकअप का जो मैंने परचेस किया था वो हॉल वीडियोस नहीं देखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे हॉल वीडियो कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ नायका के जो प्रोडक्ट हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही कम प्राइस का है, मतलब 200 अंडर रुपीज़ में है। सो इसे आप ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आज इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको लेना चाहिए प्रोडक्ट्स या नहीं लेना चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो ये जो प्रोडक्ट है ना अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और कैसा प्रोडक्ट है वो तो वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करेगा तभी आपको पता चलेगा। एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्रोडक्ट जो मैंने अभी यूज किया है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। सो वो प्रोडक्ट है हमारा गोश लाइफ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग कुछ इस तरह से है गाइस, यहाँ पे लिखा गया गोश लाइफ ब्रांड है ये, पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में आपको रिसीव हो जाता है एंड यहाँ पे लिखा गया एक्वालेक्स एंड हाइड्रेटिंग क्रीम जेल है। सो अगर क्रुएल्टी फ्री है एंड सल्फेट फ्री है और ऑर्गेनिक है तो कोई इशू नहीं है इसके साथ। और इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर की पैकेजिंग कैसी है। सो यहाँ पे पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में मिल जाता है और बहुत ही लग्जरी है और बिल्कुल मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसका एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा प्रोडक्ट है। कुछ इस तरह से जेल में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आप मॉइस्चराइजर लेना चाह रहे हो तो ये वाला डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया सा मतलब हाइड्रेट रहता है आपकी स्किन। और एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बिल्कुल जेल में आपको मिल जाएगा और इस तरह अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करना है और आपकी स्किन में ना बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, कहीं से भी पता नहीं चलता, कोई चिपचिपा नहीं महसूस होगा आपको। सो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ गाइस, मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है, ये बहुत बढ़िया है, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है मेरा स्किन। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैंने लिया है NYBae का ये प्राइमर। ये प्राइमर ना अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, मतलब NYBae का जो प्राइमर है ना ये जेल में आता है। सो इसे आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया सा प्राइमर है, कई बार मैंने इसको यूज़ भी किया है। सो इसे आप नायका से आप परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा ही लेना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ना आपकी स्किन को बहुत ही ऐसा मतलब जो भी पोर्स वगैरह है वो हाइड कर देते हैं और अच्छा लगता है। आपका जो प्राइमर है बहुत बढ़िया सा वर्क करता है और बहुत ही सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन, जो है ना बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट करती है। सो मैंने इसे थोड़ा सा ही लिया है और इस तरह से लगाना है, बहुत बढ़िया सा ये वर्क करता है। सो इसे आप ले सकते हो क्योंकि मैं इसे कई बार इसे यूज कर चुकी हूँ। इसे अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है BB फाउंडेशन इनसाइड मेकअप एसेंशियल का। यहाँ पे पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये भी आपको अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाएगा, मतलब 120 यहाँ पे पैकेजिंग में लिखा गया है, 120 का ये आपको फाउंडेशन देखने को मिल जाता है। बट ये कैसा है मैं अभी यूज़ नहीं की हूँ, पहली बार मैं इसे यूज़ करूँगी। सो चलिए मैं इसके देख लेती हूँ कैसा है इसका पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और कैसा वर्क करता है चलिए मैं आपके साथ ही शेयर करने वाली हूँ। SPF 15 BB फाउंडेशन इनसाइड मेकअप एसेंशियल का ये फाउंडेशन है, 120 रुपीज़ यहाँ पे लिखा गया है, पैकेजिंग यहाँ पे था एंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, बॉटल कुछ इस तरह से है, बहुत ही क्यूट सा दिया गया है, पब भी दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ एंड निकल जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से निकाला हुआ है और इस तरह से मैं अप्लाई करके देखती हूँ ये कैसा वर्क करता है। सो मैं इसे ना पहली बार यूज कर रही हूँ और देखते हैं कैसा है। वो कितनी अच्छे से ये मतलब ऑब्जर्व हो गया है, जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई भी हो गया है और बिल्कुल बढ़िया सा अप्लाई हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ता है तो आपका ख़राब होगा फाउंडेशन, 120 में आप क्या लोगे, मतलब इतना अच्छा सा फाउंडेशन आपको देखने को मिल जा रहा है, बिल्कुल हल्का सा है बट ये ना ऐसा
आपको लगेगा कि ये आपके जो दाग धब्बे हैं ना वो हाइड नहीं करेगा, इतना कवरेज नहीं देगा ये फाउंडेशन, बट ओके है, 120 में है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा आपको मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवरेज चाहिए ना, आप इसे दो बार अप्लाई कर सकते हो। और शेड थोड़ा सा अपने स्किन टोन के अनुसार ही लेना, बट ये ना थोड़ा सा मतलब लाइट लग रहा है, मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ये लाइट लग रहा है, सो आप थोड़ा सा अपने स्किन के कलर के अनुसार ही लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा वर्क करेगा। और बिल्कुल अच्छा सा है क्योंकि ये 120 में है और पैसा वसूल ही है, मतलब 120 में इतना अच्छा सा आपको फाउंडेशन देखने को मिल रहा है, सो इसे आप ले सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट है ना ये है पाउडर, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर, रेडियंट फिनिश, लॉन्ग स्टे, ये ब्लू हेवन का पाउडर है। यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ये जो मतलब पाउडर है ना, फेस पाउडर जो है ना, ये इसकी जो प्राइस है ना 150 है, मतलब 150 में ये इजिली मिल जाएगा, मतलब और भी कम प्राइस का हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग एचडी मेकअप लाइट वेट एंड शाइन कंट्रोल, सो इसे हम करते हैं शाइन में पैकिंग। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया सा पैकिंग भी है। फिनिशिंग पाउडर यहाँ पे लिखा गया है, ये कैसा है कैसा नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पैकेजिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये कब मतलब पैक है, सो आपका जो प्रोडक्ट है कहीं से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे हम करते हैं ओपन, आपको एक स्पंज मिल जाता है जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसे हम इस तरह से करेंगे, लगाएंगे इसमें और इस तरह से टैप टैप करके है। एंड गाइस पाउडर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से लग जा रहा है और बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से अप्लाई भी हो गया और अच्छा सा मतलब लग रहा है, मतलब फ्लॉलेस लग रहा है, मतलब ये जितना इसमें लिखा है ना, इसमें जो लिखा है ना वो वर्क कर रहा है फ्लॉलेस। इसका जो वेट है ना बहुत लाइट वेट है, जैसे लिखा है वैसे वर्क भी कर रहा है, सो अच्छा है, आप इसे ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही कम प्राइस में चाहिए फेस पाउडर तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छे से ये अप्लाई भी हो गया और लाइट वेट लग रहा है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो डेफिनेटली आप इसे परचेस करो और यूज़ करो, बहुत ही बढ़िया है। सो गाइज अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल, सो आईब्रो पेंसिल के लिए मैंने लिया है आईब्रो के लिए ब्लू हेवन का 90 रुपीज़ का ये आईब्रो डिफाइनर है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सा वर्क भी करेगा और ये ना ब्राउन कलर में भी है तो ब्लैक कलर में भी आपको मिल जाएगा। जो आपको अंडर 100 रुपीज़ में आपको कोई अच्छा सा आईब्रो पेंसिल लेना है सो इसे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। पैकेजिंग कुछ इस तरह से गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं और मैं इसे ओपन करती हूँ, 90 रुपीज़ में था, सो यहाँ पे इस तरह से है गाइस, सो देखिए आप कैसा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको आईब्रो पेंसिल और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा दिया गया है, मतलब ब्राउन कलर में ये है एंड मैं इसे यूज करने वाली हूँ। आप इसे लो क्योंकि बहुत ही टाइम से ये चलेगा आपका, अगर आप इसे लोगे मतलब पैसा वसूल प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर लेना अगर आप लेना चाहो तो, कोई आईब्रो पेंसिल लेना चाहो तो। इसे मैं कर लूँगी सेट इस ब्रश से, इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है आई शेडो में ये ब्लू हेवन का आई पॉप आई शेडो अल्ट्रा मेट मैक्स ऑफ 4 कलर इसमें मिल जाते हैं एंड पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, इसकी आउट पैकेजिंग कुछ इस तरह से है जैसे, और 175 रुपीज़ में इसकी प्राइस है एंड अंडर 200 में अगर आपको आई शेडो चाहिए सो ये वाला आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें 4 ही शेड हैं, सो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये आई शेडो क्योंकि इसमें सिर्फ 4 शेड है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्राइस है, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर लेने वाली हूँ। यहाँ पे आपको ब्रश भी देखने को मिल जाता है बट मैं इस ब्रश से यूज़ करने वाली हूँ, सो ये ब्राउन जो कलर है मैं इसे यूज़ करती हूँ, अभी देखते हैं ये कैसा है। एंड
एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गोल्ड ये वाला जो ब्राउन कलर था ना, गोल्डन कलर है, सॉरी गोल्डन कलर मैंने अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। एंड अभी मैं यूज करने वाली हूँ ये येलो कलर, थोड़ा सा येलो कलर मैं लूंगी क्योंकि और भी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सो थोड़ा सा हम येलो कलर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ हल्का सा, जिससे हमारा जो आई शेडो है वो अच्छा सा लुक आ जाए आईज का। इस तरह से अप्लाई करेंगे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे यूज कर लिया है, मतलब जो गोल्डन कलर था वो पूरा मैंने आई शेडो यूज किया, एंड जो येलो कलर है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर लिया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब कलर तो अच्छा लग रहा है देखने में और यहाँ पे मतलब अच्छा ही लग रहा है, मतलब इतनी प्राइस कम है उसके हिसाब से ये ओके प्रोडक्ट है। बट इसमें और थोड़ा सा ऑप्शन होता ना बहुत ही बढ़िया सा ये प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा और भी ऑप्शन होता, दो तीन और ऑप्शन होता ना तो अच्छा ये पैसा वसूल प्रोडक्ट होता है। मतलब आप इसमें पैसा अगर लगाओगे तो आपको फिर सिर्फ चार ही आपको शेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ आई लाइनर के लिए मैंने लिया है ये इनसाइड का आईलाइनर, इतना सस्ता ये मुझे मिला है ना, मतलब अंडर 100 रुपीज में ये मुझे आईलाइनर मिला है। प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंशन भी किया गया है, ये एक वाटरप्रूफ आईलाइनर, लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ पार्टी लुक यहाँ पे लिखा गया है। बट कैसा है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पैकेजिंग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है गाइस, अंडर 100 रुपीज में ये आपको मिल जाएगा, इसकी प्राइस है। एंड नायका पे और भी आपको ऑप्शन होते हैं, मतलब कम प्राइस में भी हो जाते हैं क्योंकि सेल चलते हैं ना। अभी आप देख सकते हो आईलाइनर बहुत बढ़िया सा लग चुका है, मतलब अच्छा है, ओके है, बहुत थोड़ा सा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कम है आईलाइनर, और जो लैक्मी में होता है ना बहुत बढ़िया, मतलब कई टाइम तक ये चल जाता है, और इसमें अगर पैसा लगाओगे ना तो थोड़े ही दिन में ये ख़त्म भी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप पैसा लगा रहे हो, 100 रुपये लगा रहे हो ना, तो लैक्मी का जो 100 रुपये का आता है आईलाइनर ना उसे आप ट्राई करना। अगर आप इसे ले रहे हो, इनसाइड का आईलाइनर ले रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा ना, बहुत ही कम दिनों में ना ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से ये सूख जाएगा और फिनिश हो जाएगा। सो इसे आप ऐसे यूज कर सकते हो एंड ओके है, एंड बट लैक्मी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने मस्कारा लिया है, ब्लू हेवन का ये मस्कारा है, ये अंडर 100 रुपीज में ये मिलने वाला है। सो 90 रुपीज यहाँ पे लिखा गया है, सो अंडर 100 रुपीज में ये मिल जाएगा नायका पे। सो बहुत ही कम प्राइस में ये मुझे मिला है। सो इतना कम प्राइस में कोई सामान आपको मिल रहा है सो आप उसे ट्राई करना तो बनता ही है। सो यहाँ के रुपए में आपको ये मस्कारा देखने को मिल जाता है। मस्कारा के लिए मैं ब्लू हेवन का ये 90 रुपीज वाला यूज करने वाली हूँ। सो देखते हैं ये कैसा है। सबसे पहले मैं इसे इस तरह से शेक कर दूंगी जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है ना अच्छे से मिल जाए वो और अच्छे से अप्लाई हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा मस्कारा है। यहाँ पे ब्रश वगैरह तो अच्छा दिया गया है। ब्रश तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया गया है जिससे हमारा जो मस्कारा है वो अप्लाई अच्छे से हो रहा है। पिंक और लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि आप इसे लगाओगे तो चिपक चिपक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लाइट वेट है। सो इसे आप ट्राई कर सकते हो अंडर 100 रुपीज में। अगर आपको मस्कारा चाहिए तो ये ब्लू हेवन का आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो, ये बढ़िया है और ओके प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लशर। यहाँ पे पैक्स में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। इसकी जो प्राइस है गाइस अंडर 200 रुपीज में ये आपको मिली जाएगा। सो यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लशर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्लशर कुछ इस तरह से है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो शेड है ना बहुत ही प्यारा सा शेड है, मतलब अच्छा सा पिंक कलर में शेड आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें कई सारे शेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ब्लशर मैं यूज करने वाली हूँ, खास आप इसे अप्लाई करोगे ना बहुत ही अच्छा सा वर्क करता है।
और मैं जो ब्लशर यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही हल्का सा यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ब्लशर यूज़ कर लो, सो बहुत ज़्यादा हल्के में आप इसे यूज़ करो, बहुत प्यारा सा शेड आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये अप्लाई हो जा रहा है। सो इतना ही हम ब्लशर यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ले सकते हो। ब्लू हेवन का अंडर 200 रुपीज़ में ये इजीली आपको मिल ही जाएगा। सो प्राइस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैंने दिया है, लिंक वगैरह सारे मैं देती हूँ। जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या दिखाती हूँ वीडियो में, उसके सारे लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चेकआउट नहीं करते हो तो चेकआउट ज़रूर किया करो और परचेज भी किया करो, बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सारे जो रिव्यूज़ होते हैं ना मेरे, मतलब हॉनेस्ट वाले रिव्यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे जो दिखाना है वो अच्छा ही बोलना है, जो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये परचेस करने लायक है, सो मैं आपको बोलती हूँ, वो आप परचेस कर सकते हो और अच्छा भी होता है। सो यहाँ पे जो ब्लशर मैंने यूज़ किया ना, बहुत बढ़िया सा ये ना आपके स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छे से समा जाता है, ऐसा नहीं है कि उभरा उभरा रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इसे आप डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकती हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ हाईलाइटर। हाईलाइटर के लिए मैंने लिया है अंडर 100 रुपीज़ में, ये हाईलाइटर मुझे मिल गया है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड का मेकअप एसेंशियल हाईलाइटर है। पैकेजिंग कुछ इस तरह से, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, एकदम छोटू सी पैकेजिंग है, आप इसे मतलब अच्छे से कैरी कर सकते हो। बहुत बढ़िया सा ये हाईलाइटर है। यहाँ पे शेड है 05 सेवेज बारबी एंड यहाँ पे लिखा गया है शेड, बहुत बढ़िया सा मैंने लिया है, चूज़ किया है। आप इसमें आपको डिफरेंट शेड मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो यूज़ करने का तरीका है ना, बहुत ही बढ़िया है, मतलब ये ना बिल्कुल अच्छे से अप्लाई भी होता है और ये ना क्रीमी है, थोड़ा सा क्रीमी है, तो अच्छे से ना इस तरह से आप लगाओगे ना, देखो आप कितने बढ़िया सा ये है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे करना है, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ आपको ऐसे ही लगाना है। बहुत ही अच्छा सा शाइन देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बढ़िया सा शाइन दे रहा है। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो ना, बिगनर हो, सो इसे आप डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। शादी विवाह में आप इसे हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, कितने अच्छे से ये शाइन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा ये शाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, कितना अच्छा सा मतलब शाइन कर रहा है, बहुत ही बढ़िया सा शाइन कर रहा है। आप इसे डेफिनेटली आप इसे परचेस करो, अंडर 100 रुपीज़ में आपको कहीं पे भी ये वाला हाइलाइटर नहीं मिलने वाला, इतने कम प्राइस में होता है, और डेफिनेटली आप इसे लो और पैसा वसूल प्रोडक्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हो। तो लिपस्टिक जो मैंने परचेस किया था नायका से, ये हमारा जो लिपस्टिक है इनसाइड का ही है, मतलब अंडर 100 रुपीज़ में, मतलब सारे सामान जो मैंने परचेस किए थे ना, मतलब अंडर 200, अंडर 100, ऐसे ही सारे मैंने परचेस किए थे, मतलब 100 रुपये में, 200 रुपये के अंदर, ऐसे ही सारे चीज़ें परचेस किए थे। बहुत ही चीप प्राइस में ये था, बहुत ही सस्ता था, बहुत ही कम प्राइस का था। और हाँ गाइस, अगर आप बिगनर हो, कोई मेकअप किट तैयार करना चाह रहे हो ना, तो ये वाले सारे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे जैसे मैंने रिव्यू शेयर किया है ना, वो ध्यान से देख लेना और परचेस कर लेना, ठीक है। एंड ये जो लिपस्टिक है ना, इनसाइड की लिपस्टिक है, इसका जो शेड है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसका जो शेड है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और इसका जो शेड है मैं आपको बता भी देती हूँ, A13 है एंड 4 ग्राम्स की लिपस्टिक है, न्यूड कलर में आपको देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल न्यूड है ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक मैंने परचेस किया था क्योंकि इसका जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था, सो इसे आप ट्राई करते हैं कैसा लगता है लगाने के बाद। ना मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा क्रीमी है, और ये जल्दी ही आपका जो लिपस्टिक है ना वो रिमूव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन वगैरह में जा रहे हो ना, तो ये लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैट नहीं है, मैट फिनिशिंग इसमें नहीं है। सो मैं इसे आपको दिखा दी हूँ इसमें क्या लिखा गया है, मैट लिपस्टिक यहाँ पर लिखा गया है, बट गाइस ये मैट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, इस तरह से आप देख सकते हो निकल भी जा रहा है, सो इतना ज़्यादा मैट नहीं है, एंड यहाँ पे लग रहा है कि ये मैट फिनिशिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये रहेगा आपके लिप्स पे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम टाइम में ये रिमूव भी हो जाएगा। सो कलर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्रीमी है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर है, सो न्यूड कलर है। सो गाइज, आपको ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा? आई होप ये मैंने जो ट्राई किए हैं, उसके रिव्यू दिए हैं, वो बहुत
ज़रा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि जो भी अच्छा लगा मुझे वो मैंने बता दिया और जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो भी मैंने बता दिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। गाइस, गोश लाइफ के जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, मॉइस्चराइजर भी है और लिप सीरम भी है, आप इसे डेफिनेटली परचेज करो क्योंकि अमेजिंग प्रोडक्ट है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट जरूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नया सा लेके फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।